चलिए बुलेटिन में बात अब झुंझुनू की करते हैं। झुंझुनू में सामुदायिक विकास भवन में बीती रात हुए शादी समारोह में जमकर लात घूसे चले और मारपीट की घटना हुई है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने तलवार से भी हमला कर दिया। हमले में मामा और भांजा घायल हो गए। पीड़ित घायल के मुताबिक अपने ममेरे भाई इस्लाम की शादी में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू आया था। जब शादी की रस्में चल रही थी तो किसी ने बताया कि कुछ युवक दूल्हे को मार रहे हैं। जब जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन शाहरुख और परिवार के अन्य सदस्य दूल्हे के पास खड़े हो गए। इसी दौरान शाहरुख और वहां मौजूद लोगों पर कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तलवार से भी सिर पर हमले का आरोप है। घायलों की तरफ से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मारपीट के दो वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें स्टेज पर ही युवक आपस में कुर्सियां फेंककर बेल्ट से और लात घूसों से लड़ाई कर रहे हैं। हमला करने वाले दूसरी बारात में शामिल युवक हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद काफी कुछ क्लियर हो रहा है। हालांकि देखना यह भी है कि इस वीडियो की सत्यता कितनी होगी और पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस वीडियो की मदद से इस पूरे केस को सुलझाता है। गया जब दूल्हे का पीछा खड़े होगा, दूल्हा ने बचाया ना तो मेरा गेल से तलवार की मारी, मेरा मारते मैं बेहोश हो गया। फिर मेरा मामूजी आया, मेरे मामूजी मैंने बचाने के लिए फिर मेरे मामूजी को ऊपर हमलों कर दियो। कोतवाली में एफ आई आर दर्ज लिखने करवाने आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आना की वीडियो सामने आ गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, कहाँ तक पुलिस की जो जाँच है वो पहुंची है, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया, वहीं जांच भी शुरू कर दी है। बात ये कल देर शाम की है, जब शादी समारोह चल रहा था तभी जो एक मंडेला से बारात आई थी, यानी दो लड़कियों की शादी थी, एक बारात झुंझुनू की झुंझुनू से आई थी और एक मंडेला से आई थी। तो मंडेला से जो बारात आई थी उसके जो दूल्हे हैं उसको झुंझुनू से जो बारात आई थी उनके कुछ युवकों ने धमकी दी थी कि आज उनके साथ मारपीट होगी। इसी दौरान जब मंडेला से बारात जो आई थी उसके कुछ बाहर दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनको सूचना लगी कि मारपीट होने वाली है, तब वो अंदर पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक हमला हुआ और हमले के बाद एकदम अचानक मारपीट शुरू हो गई, कुर्सियां उठाई गई, बेल्ट से मारपीट की गई, डंडों से मारपीट की, यहाँ तक कि जो दो मामा और भांजा घायल हुए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जो हमला हुआ है उन तलवार से हुआ है। इसमें जो भांजा उसके पांच टांके भी आए हैं, तो ये पुलिस जांच कर रही है। और अब ये वीडियो जब सामने आया तो ये लगता है कि किस तरह से शादी का जो समारोह है वो कुश्ती के एक दंगल में, लड़ाई के एक दंगल में बदल गया। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया संदीप, इन तमाम जानकारी के लिए।